तो दोस्तों यह है परीक्षा ऐप और ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है, लेटेस्ट अपडेट इसमें होते रहता है। बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके संबंधित आप यहाँ टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, ऑनलाइन EC40 अपडेट कीजिएगा तो आपको 40% का वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 150 में आपको 10 सेट मिल जाएगा, यानी 15 रुपये का एक सेट लगभग। काफ़ी बेहतरीन है, आप इसमें डेली करेंट अफेयर्स देख सकते हैं, PDF देख सकते हैं, छात्रों के बीच अपनी रैंकिंग दे सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा से संबंधित। और आज जो आप 26 दिसंबर था और कई छात्रों को बुलाया गया था साइंस कॉलेज, आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपको धांधली के खिलाफ, आपको आवाज़ उठाने के लिए जो बिहार दरोगा में हुआ है, पेपर आउट हुआ है, ये सबको पता है, कभी प्रूफ दिए हैं छात्रों ने। लेकिन देखिए जो अपडेट है, मैं यही बता देता हूँ कि आप काफ़ी संख्या में यहाँ आंदोलन हुआ है और काफ़ी छात्र एक जुट हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने संख्या में जुटे हैं। हालांकि बिहार SSC प्लस टू के में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ये पहली बार हुआ है। तो इसमें आपको बच्चों का मानना है कि आप एग्ज़ाम कैंसिल करवाएं और ऑनलाइन एग्ज़ाम लें या फिर से एग्ज़ाम लें, क्योंकि यहाँ काफ़ी धांधली हुई है और सीधा सीधी आरोप है। वीडियो क्लास में आपको एक वीडियो दिखेगा इस वीडियो क्लास में, और उसमें आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट लोगों के साथ कैसे वहाँ दिक्कत हुई, कैसे परीक्षा हॉल में DM क्या बोले, वहाँ पुलिस प्रशासन क्या बोला। पुलिस प्रशासन अभी भी बोल रही है कि पेपर अगर आउट होगा तो ज़रूर इसके खिलाफ आपको कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है इस तरीके से, जिस तरीके से छात्र वहाँ प्रूफ दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से अब आपको पुलिस पे डिपेंड है और वहाँ के प्रशासन पे डिपेंड है। हालांकि दबाव सरकार के लिए बनाया जा रहा है कि सरकार इस तरफ आप ध्यान दे, क्योंकि हो भी सकता है कि ध्यान दे, क्योंकि चुनाव आने वाला है और नीतीश कुमार जी नहीं चाहेंगे कि छात्रों का गुस्सा उन्हें झेलना पड़े, जिस तरह से झारखंड में आपको BJP को झेलना पड़ा। वहाँ उनके हार का भी कई कारण था कि छात्रों का के साथ दुर्व्यवहार, वही चीज़ यहाँ भी है। तो आज थोड़ा पॉजिटिव साइन मिला है, तो देखिए अब इसके क्या अपडेट होता है। केस वगैरह करने की भी बातें चल रही हैं इसमें, और जब केस होगा तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट ज़रूर करूंगा। छात्र आज एकजुट दिखे हैं और ये काफ़ी अच्छा साइन है मेरे ख्याल से। और जो प्रूफ वगैरह हैं वो एडवोकेट वगैरह को शायद देने वाले हैं और एक सही जानकारी एकत्रित करेंगे। इसके बाद एक वीडियो आप चलेगा, उसमें देख लीजिएगा कि कैसे आपको परीक्षा हॉल में पुलिस प्रशासन DM ने क्या व्यवहार किया था कुछ छात्रों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों, और फिर कुछ अपडेट वगैरह मैं आपको जरूर बताऊंगा। लास्ट हम लोग एक लड़का कूद गया 9:30 बजे, देखा तो 2-3 लड़का अंदर में क्वेश्चन खींच रहा है, वो लड़की थी, वो लड़की को हम देखे भी और खींच रहा था फोटो, और फोटो खींच के उसके बाद देखो मांझी नाम के दरोगा मनीलाल मांझी बोले कि ये क्या हो रहा था, बोला पावर दिखा दे कलम के। हम बोले ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करते, हम माथी करने के लिए नए हंगामा, हम लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग का निर्णय मिलना चाहिए कि 10 बजे क्वेश्चन खुलना चाहिए, 2 आदमी को दे दीजिएगा। ये कहाँ का निर्णय, DM साहब आए, DM साहब बिना जांच ले क्या बोलते हैं, जिसको देना है एग्जाम दीजिए नहीं तो जाइए, ये कहाँ का एक तरीका है बोलने का, ठीक है, वो डिसाइड भी कुछ नहीं किया, डायरेक्ट घर नवादा हुआ, घर से क्या आप लोग का मतलब है, ले लीजिएगा रिपोर्ट और दे दीजिएगा ना, घर से क्या दीपक कुमार अकबर एक लड़का छोड़ने पूरा गेट खोलिए,